भाई लोगों, कल की 2898 ये इस साल की बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट मूवी होने वाली है, क्योंकि इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन चार ऐसे फैक्टर जुड़ रहे हैं जो की फैक्टर्स हैं। लाइक हिंदू कल्चर जुड़ रहा है, जिसके बारे में डिटेलिंग हमने अभी देख ली, लेटेस्ट जो ग्लिम्स उन्होंने निकाला है अश्वत्थामा का, जो छोटा सा ही था लेकिन भाई बहुत कुछ डिटेलिंग देखे गया है, छोटी छोटी वो चीजें जो बता के गई हैं कि भाई आएंगी चीजें लेकिन दमदार तरीके से आएंगी। दूसरा, मूवी डिस्टोपियन एरा को फॉलो करने वाली है, जो इंडियन सिनेमा की पहली मूवी होगी, और डिस्टोपियन एरा में बहुत ऐसे कॉन्टेंट होते हैं जो साइफाई एंड एडवांस एआई का इस्तेमाल करके कोई भी इमेजिनरी स्टोरी बना सकते हैं, जैसे हमने हॉलीवुड में बहुत सी देखी थी। लेकिन हिंदू कल्चर का ऐसा डिवोशनल कनेक्शन, वो भी साइफाई के साथ और डिस्टोपियन एरा में, भाई ये चीज बहुत ज्यादा तरीके से हिट करके जा रही है। दूसरा, कल नागस्वन का बर्थडे था, जिसमें भाई साहब वीएफएक्स के लिए बहुत अच्छा प्रॉमिस करके गए हैं, क्योंकि पूरी मूवी वीएफएक्स के ऊपर डिपेंड होने वाली है। और जो अश्वत्थामा का ग्लिम्स निकाला गया था, जिसमें अश्वत्थामा का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन था, भाई साहब उस ग्लिम्स को 25 मिलियन प्लस व्यूज गेन कर दिए हैं उसने डिजिटल, यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और अपना यूट्यूब में तो ट्रेंडिंग वन पर चल ही रहा है भाई, सभी को मिला के 25 प्लस मिलियन लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और जब ये पहला इसका ग्लिम्स आया था कल के 2898 का 9 महीने पहले, भाई तभी से ये सारा प्रॉमिसेस मिल गया था कि भाई जब मूवी आएगी तो दमदार आएगी। बात तो सही है, बस मूवी का वेट है कि जल्दी आ जाए। लेकिन अभी बात करेंगे कि भाई अश्वत्थामा से, जिससे पहले ही मैंने कुछ बातें कर रखी हैं, लेकिन आज थोड़ा और डिटेलिंग में बात करेंगे कुछ एक आध चीजें जो ट्रेलर्स में दिखाई गई हैं उन चीजों को लेकर, तो जुड़े रहना। उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करते हैं भाई, बात अगर अश्वत्थामा की करें तो इसमें अमिताभ बच्चन एक बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं, और यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, बहुत डोमिनेंट एंड डिपेंडेबल कैरेक्टर होने वाला है मूवी के लिए। जो नाग अश्विन का जो विजन लग रहा है भाई, दमदार लग रहा है, क्योंकि कई बार होता यह है कि अपने इंडियन सिनेमा में हीरो को बहुत ज्यादा फुटेज दी जाती है, और यहां पर हीरो के साथ तो फुटेज है ही है, उसको तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन भाई अश्वत्थामा के लिए एक इंडिविजुअल अलग से सेपरेटेड ग्लिम्प्स जो निकाला है भाई, वो दिल को टच करके गया है। और अश्वत्थामा की अगर बात करें, हिस्ट्री पर जाएं, तो द्वापर युग से इनका शुरुआत हुई थी, इनका जन्म द्रोणाचार्य और कृपी इन दोनों से हुआ था, जो द्रोणाचार्य के काफी बड़ी तपस्या करने के बाद भगवान शिव की, तब जाके अश्वत्थामा पैदा हुए थे, और वो चाहते थे कि भगवान शिव की तरह ही अश्वत्थामा भी बहुत पावरफुल बने। तो बचपन से ही जब ये पैदा होते हैं, अपने माथे पर एक मणि लेकर पैदा होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है हर एक वो अस्त्र शस्त्र से जो उनके लिए घातक साबित हो, भूख प्यास बुढ़ापे से, ये सारी चीजों से वो मणि उनकी रक्षा करती थी, जिस वजह से वो बहुत पावरफुल भी थे। और आगे चलते चलते कौरवों के साथ, यानी दुर्योधन के साथ इनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। बाकी द्रोणाचार्य को तो आपको पता ही है, इन्होंने कौरव और पांडव दोनों को ही शस्त्र का ज्ञान दिया था, लेकिन अश्वत्थामा खुद उनके पुत्र थे तो उन्हें भी बहुत अच्छी विद्या दी गई थी, शस्त्र विद्या, जो अपने धनुष से ब्रह्मास्त्र का भी अच्छा खासा उपयोग करते थे, और अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का अच्छा खासा उपयोग करते थे। तो जब ये लड़ाई हुई थी, जब कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी, उस बीच दुर्योधन के साथ कौरव ने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करा था, और जब जब द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की ये जोड़ी पांडवों पर टूटती थी भाई, पांडवों की हालत खराब कर देते थे। इस बीच कृष्ण ने कूटनीति ये खेली कि इन दोनों की जोड़ी को जैसे तैसे तोड़ना पड़ेगा, और उन्हें भली भांति ये मालूम था कि भाई अश्वत्थामा का तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अजय अमर मतलब भगवान शिव का उनके ऊपर हाथ है, और उसके खिलाफ जाएंगे तो भगवान शिव की ही एक बार के लिए बेइज्जती होगी। तो कृष्ण को भली भांति मालूम था कि द्रोणाचार्य का हम कुछ कर सकते हैं, कूटनीति ये खेली कि द्रोणाचार्य को मार दिया गया युद्ध में, ये कहकर कि भाई अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन गज यानी हाथी अश्वत्थामा मारा गया था, इस वजह से द्रोणाचार्य को इस कूटनीति से छल कपट से मार दिया गया। लेकिन इस बीच में रिवेंज अश्वत्थामा के सर पर इस हद तक चढ़ चुका था, बदले की भावना इस हद तक चढ़ चुकी थी, जो पहले बताया जाता था कि अश्वत्थामा बहुत पावरफुल था, जिस वजह से वो एरोगेंट भी था, लेकिन अब बदले की भावना इस हद तक चढ़ चुकी थी कि क्रुएलिटी की वो सारी हद पार कर दी थी। एक रात पांडवों के शिविर में जहां वो प्रस्थान कर रहे थे, वहां पर घुस के उन्होंने खूब मारामारी करी है ताबड़तोड़, जहां पर पांडवों के पुत्र वगैरह भी थे और भी सेना थी, तो उनको बेरहमी से अश्वत्थामा ने वहां मारा था। देन उसके बाद कहानी यहां तक पहुंच गई थी कि अर्जुन और अश्वत्थामा एक बार के लिए आमने सामने आ गए, और दोनों ही ब्रह्मास्त्र दागने पर मजबूर हो गए थे, जिस वजह से अर्जुन को तो वेदव्यास ने समझा दिया था जैसे तैसे कि भाई अगर ब्रह्मास्त्र दोनों ने दाग दिया और इसका जो प्रचंड प्रहार होगा भाई, वो दुनिया तबाह कर देगा, इससे वेदव्यास भली भांति परिचित थे, जिस वजह से उन्होंने अर्जुन को तो जैसे तैसे मना लिया, लेकिन अश्वत्थामा जो फुल एरोगेंसी में था, वो पांडवों का पूरा विनाश करना चाहता था,
था उनकी आखिरी संतान तक का। तो उसने क्या किया, अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उनके बेट यानी आखिरी वंशज पांडवों का, तो उसने वो ब्रह्मास्त्र उसकी कोख की तरफ दाग दिया था। इस वजह से भाई कृष्ण को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि क्रुएलिटी की जो युद्ध से बहुत हटके ये सारी चीजें थी, क्योंकि महाभारत का युद्ध या फिर पहले जो युद्ध करे जाते थे एक नियम के साथ करे जाते थे, और ये सारे नियम उल्लंघन होते नजर आए, जिस वजह से श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया कि तू मौत के लिए तरसेगा और जब इस दुनिया का नाश होगा तू आखिरी उस तम तक जिएगा, यानी कलयुग के लिए ये श्राप, जो मणि भी कही जाती है और श्री कृष्ण का श्राप भी कहा जाता है कि कलयुग तक अश्वत्थामा क्यों जिंदा है, ये जो मेन कारण था कि भाई इस वजह से जिंदा है। और इस चीज का कनेक्शन इस मूवी के साथ करा गया है, डिस्टोपियन एरा की ऐसी मूवी के साथ करा गया है जहां पर वीएफएक्स का बहुत रोल होने वाला है। मतलब कली अपने चरम पर आ जाएगा तब एक लास्ट युद्ध उसे करना पड़ेगा कल्कि का सहारा देकर, यानी कल्कि कौन, अपने दसवें अवतार विष्णु भगवान के, जो कली का नाश करने के लिए आएंगे और उसके बाद सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। बात करें फाइन डिटेल ऑफ ग्लिम्स, जो भाई मुझे बहुत हद तक टच करके गई हैं, जितनी मेरे पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है हिंदू कल्चर को लेकर, कि जहाँ पर वो ओम का जाप कर रहे हैं अश्वत्थामा, मतलब जिस गुफा में, और वो गुफा भी कोई ऐसी इमेजिनरी नहीं है, वो द्रोण केव है, द्रोण गुफा है, जो बहुत हद तक वहाँ से इंस्पायर है एंड मोटिवेटेड है, और काफ़ी कुछ एज इट इज दिखाने की कोशिश करी है। और वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसका नाम राया है, वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अश्वत्थामा से पूछता है कि आप भगवान हो, अजय अमर हो, क्या हो, मतलब आप को चोट नहीं लगती, ये वो वगैरह वगैरह, आपने ग्लिम्स अगर देख लिया हो। वहां पर वो जो तपस्या कर रहा है, ओम का जाप कर रहा है, वहां पर जो शिवलिंग देखने को मिल रही है वो कोई नॉर्मल शिवलिंग नहीं है, वो बिल्कुल हूबहू रुद्राक्ष की तरह देखने वाली शिवलिंग है, और उस पे पानी जो टप टप गिर रहा है वो भी एक हिंदू हिस्टोरिकल कल्चर को फॉलो कर रहा है, जहां आपने नॉर्मली कभी भी शिवलिंग के ऊपर देखा ही होगा कि पानी टप टप करके गिरता है। और इस चीज का भी एक कारण है कि यह पानी जिस दिन मतलब टप टप करके गिरना खत्म हो जाएगा, उस दिन आप समझ जाना कि कली आ चुका है, यानी वो दिन लास्ट होगा जहां पर एक भीषण युद्ध होगा और कली का वहां पर सर्वनाश होगा। क्योंकि कली जब आएगा तो कली जो ह्यूमंस की बेसिक नीड्स होती हैं, खाना पीना रहना, इन सारी चीजों को खत्म कर देगा। और यहाँ पर आपने वो चीज भी देखी होगी, इसमें एक ग्लिम्स दिखाया गया है जब पानी क्या कहते हैं पूरा सूख जाता है और अश्वत्थामा शिवलिंग में हाथ लगाकर वो टच करते हैं और खुद कहते हैं कि मेरा अंतिम युद्ध करने का समय आ गया, यानी कली आ चुका है और कल्कि को बहुत ज़्यादा ये बूस्ट करने वाले हैं। सुना यहाँ तक भी जा रहा है कि कल्कि को बहुत ज़्यादा ये गाइडेंस देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं कली से लड़ने के लिए, क्योंकि कल्कि के पास इतना कोई बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा शस्त्र ज्ञान नहीं होगा, और अश्वत्थामा जैसा फाइन वॉरियर जिसने महाभारत जैसे युद्ध में पार्टिसिपेट करा था और वहाँ पर जो नींव चरमराई थी लोगों की, अगर वो कल्कि को यहाँ पर गाइड करेगा, कल्कि को सिखाएगा, तो वो कली की तो धज्जियां उड़ाएगा ही उड़ाएगा। तो ये चीज यहां पर देखने को मिली है भाई साहब। बाकी मणि के जो हमने देखे, दो चीज देखे, एक तो वो यंग वाले अमिताभ बच्चन, जो महाभारत का कनेक्शन डेफिनेटली दिखा के जाएंगे, बहुत बड़ा पार्ट नहीं होगा लेकिन छोटा मोटा पार्ट जरूर दिखाया जाएगा वहां पर, शायद कष्ट वाला पार्ट जरूर दिखाया जाएगा, क्योंकि एक वो कष्ट वाला पार्ट ही था जो कलयुग तक अश्वत्थामा को लेकर आया है। अगर श्री कृष्ण उसे कष्ट नहीं देते तो कलयुग तक अश्वत्थामा का आना निश्चित था ही नहीं। दूसरा, हमने लास्ट में अश्वत्थामा को बहुत वुंडेड, जो खून भी निकल रहा है, माथे में एक बार के लिए मणि भी नहीं है, ये वाला लुक भी देखा, तो ये शायद उस समय का हो जब कली के साथ लड़ते लड़ते वो मणि भी टूट गई हो, या फिर कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई साहब भगवान शिव जब वो बहुत एरोगेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लोगों पर अत्याचार करने लग गया था, अत्याचार मतलब वो जो युद्ध में सारे नियम उल्लंघन करके जो लड़ाई लड़ी थी, जो दरिद्रता से लड़ाई लड़ी थी, जिस वजह से वो मणि को छीन लिया गया था, तो वो कनेक्शन भी हो सकता है या फिर यहाँ पर इस वजह से टूट सकता है। क्योंकि इस चीज़ का प्रमाण ये है कि भाई अश्वत्थामा को एक तो वो यंग एज में जो मणि देखने को मिल रही है वो तो है ही है, एक वो जो ओल्ड एज में भी मणि देखने को मिल रही है, जिसमें वो बिल्कुल स्टेडिली खड़े हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा हूँ और वो जा रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए, और उसके बाद वो जो देखने को मिल रहा है वो वुंडेड यहाँ पर है, देन उसका खून निकल रहा है, माथे में भी वुंडेड है, वो माथे से भी खून निकल रहा है, तो यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये मृत्यु का भी एक कारण ये बताया गया है, कहीं ना कहीं ये भी आ रहा था कि भाई कली से लड़ते वक्त उनकी मृत्यु होगी, लेकिन मणि के कारण वो बहुत पावरफुल भी थे,
लेकिन बात ये भी आ रही थी कहीं ना कहीं सुनने में कि भाई कल्कि के ऊपर जब कली बहुत ज्यादा भारी पड़ने लग जाएगा तो उसके बीच बचाव करने के लिए अश्वत्थामा को आना पड़ेगा, जिस वजह से वो वुंडेड वाली हाल देखने को मिल रही है वो उस समय का हो सकता है। बाकी भाई साहब अभी तक जो भी मैंने बताया इसमें अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ गलत मैंने बोल दिया हो तो माफ करना, और आपको इसके बारे में और भी कुछ पता हो तो मुझे करेक्ट जरूर करना, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना ओपिनियन अपना राय जरूर बता के जाना, और भी इससे जुड़ी कुछ बातें आपको पता हो ग्लिम्स में और भी कुछ मुझसे ज्यादा छूट गया हो तो वो भी बता के जाना कि ये कहाँ का सिग्निफिकेंस हो सकता है या इसके बारे में भी बात होनी चाहिए थी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही। जय हिंद।